गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो थियोरी हम पढ़े थे, ठीक है, उसका अभी क्या करेंगे ना, प्रैक्टिकल बनाएंगे। कैसे आप उसको बना सकते हो इन आपका जो क्या है वर्ड है उसमें आप कैसे बना सकते हो उसको हम अभी क्या करेंगे ना, प्रैक्टिकली बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे ना, हाउ टू अप्लाई ड्रॉप कैप कैसे अप्लाई करोगे आपका जो टेक्स्ट में, और उसके बाद कंप्लीट करेंगे हाउ टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग कैसे बनाओगे, हाउ टू सिलेक्ट लाइन स्पेसिंग कैसे होगा, हाउ टू सेपरेट पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सब ये जो इतना लिखा हूँ ये सबको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, तो पहले वर्ड तो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया ना, वर्ड फाइल अभी ओपन हो गया। तो वर्ड फाइल ओपन हो गया, लेकिन मैं ये टाइप कर दिया हूँ। आपको क्या करना है ना, टेक्स्ट को पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो ना, ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हो। तो ड्रॉप कैप अप्लाई करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, टेक्स्ट को जो टाइप किया हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अभी सिलेक्ट हो गया कि नहीं, तो सिलेक्ट हो गया। अभी मेरे को क्या करना है ना, ड्रॉप कैप अप्लाई करना है। तो इसीलिए मेरे को पहले कहाँ पे जाना है ना, इंसर्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंसर्ट लिखा है, मैं अभी कहाँ पे जाऊँगा ना, इंसर्ट पे जाऊँगा, ठीक है। ये इंसर्ट में गया, उसके बाद देखो इंसर्ट में जब जाओगे उसके बाद देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे एक ड्रॉप कैप ऑप्शन है मेरा जो पॉइंटर जहाँ पे अभी वहाँ पे देखो हाँ ड्रॉप कैप ऑप्शन है या नहीं, ड्रॉप कैप है तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉप कैप का आ रहा है, नॉन कर दोगे जैसे ही आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो जब ड्रॉप कैप अप्लाई किया, यहाँ पे देखो पहला लेटर क्या हो गया मेरा, बड़ा हो गया। तो ये बोला ये भी एक साइज है ड्रॉप कैप का, ये भी एक डिफरेंट तरीका का है, तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ। देखो मेरा क्या हो गया, ड्रॉप कैप अभी अप्लाई हो गया मेरा टेक्स्ट में। सेमी में क्या करूँगा ना, इसमें भी ये जो पैराग्राफ में भी मेरा ड्रॉप कैप अप्लाई करना है। पहले क्या करूँ ना, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाऊँगा ना, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद उसके बाद कहाँ पे जाना है मेरे को ना, ड्रॉप कैप। यहाँ पे जब ड्रॉप कैप में जाऊँगा, यहाँ पे देखो आ गया ड्रॉप कैप, ठीक है, ये ड्रॉप कैप आ गया। उसके बाद इसको क्या कर सकते हो ना, छोटा बड़ा भी यहाँ पे कर सकते हो। देखो छोटा कर दूँ, बड़ा कर दूँ, यहाँ पे आप जैसे आपका जितना साइज का ज़रूरत है उतना साइज इसको भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिंग भी यहाँ पे दे सकते हो। ये आपका हो गया ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप कैसे करोगे ना, पहले आपको पैराग्राफ टाइप करना पड़ेगा। पैराग्राफ लिखने के बाद उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कवर करेंगे ना, यहाँ पे था क्या था, हाउ टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग, हाउ टू सेट लाइन स्पेसिंग, हम कैसे लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, लाइन स्पेसिंग कैसे बनाना है। देखो ये मेरा क्या है, एक टेक्स्ट है, ठीक है। ये क्या है ना, टेक्स्ट हो गया। इसमें मेरे को क्या करना है ना, लाइन स्पेसिंग देना है। तो लाइन स्पेसिंग देने के लिए मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा ना, होम टैब, ठीक है। जब होम टैब में जाऊँगा उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, जो पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा ये जो पैराग्राफ ग्रुप में, ये देखो मेरा जहाँ पे पॉइंटर मूव कर रहा है यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे देखो, ये देखो सारे सारे लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो जब मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है एक लाइन टू डिफरेंट दूसरे लाइन को, ये देखो, ठीक है। मैं 1.5 सेट करता हूँ। देखो मेरा अभी लाइन स्पेसिंग हो गया सबके अंदर। सेमी आपको पैराग्राफ प्रेसिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेट करना है, दो पैराग्राफ लिखा है तो यहाँ पे आपका ये आपका पैराग्राफ सेटिंग स्पेस हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो ना, आपका लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेस दे सकते हो। उसके बाद हाउ टू सेट पेज ओरिएंटेशन, ठीक है, पेज ओरिएंटेशन करने के लिए हमारा ये क्या हो गया, टेस्ट हो गया। तो उसके बाद हम कहाँ पे जाना है ना, पेज लेआउट में जाना है, ठीक है। वहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओरिएंटेशन लिखा है। यहाँ पे जब आऊँगा ये देखो पोर्ट्रेट लैंडस्केप, जब लैंडस्केप सिलेक्ट करूँगा मेरा ये लैंडस्केप हो गया। देखो अभी क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। मेरे को क्या करना है, सपोज पोर्ट्रेट करना है, जब क्लिक करूँगा ये क्या हो गया, पोर्ट्रेट फॉर्मेट हो गया। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन एक ऑप्शन है, तो ओरिएंटेशन का ऊपर सिलेक्ट जब करोगे उसके बाद क्या होगा ना, आप पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कर सकते हो। ये आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होगा। उसके बाद हमारा था क्या ना, हाउ टू सेट पेज मार्जिन, पेज मार्जिन कैसे सेट करेंगे। सेम ही यहाँ पे पेज लेआउट में आना है, यहाँ पे देखो जहाँ पे ओरिएंटेशन था उसके साइड में क्या है, पेज मार्जिन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, सारे सारे डिफरेंट पेज मार्जिन रख सकते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन के साइड में पेज मार्जिन आपका है, यहाँ तक आपका मतलब यहाँ पे जितना था हम क्या क्या डिस्कशन किए ना, हाउ टू अप्लाई व्हाट्सएप, उसके बाद हम कंप्लीट किए हैं हाउ टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग एंड हाउ टू सेट लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ पेज ओरिएंटेशन एंड हाउ टू पेज मार्जिन। ये आपका था वर्ड का, एमएस वर्ड का कुछ पेज लेआउट का डिजाइंस। और इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो मेरे को क्या कर सकते हो ना, कमेंट नहीं तो मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू।